तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय YT चैनल हेयर। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहां पे Redmi 9 इंडिया के यूज़र हैं तो आज आपके लिए यहां पे बहुत ही बड़ी एक गुड न्यूज़ निकल कर सामने आ चुकी है। तो यहां पे Redmi 9 इंडिया में एक न्यू अपडेट रिलीज़ हो चुका है। MIUI 12.5 कब तक आएगा, Android 11 कब तक आएगा, यही मैं आज आपको इस वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को अब हम यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास Redmi 9 इंडिया के लिए MIUI 12.0.16.0 QCT INXM Android 10 पर बेस्ड इंडिया स्टेबल अपडेट यहाँ पर रिलीज़ कर दिया गया है Redmi 9 इंडिया के लिए। और ये अपडेट अभी के लिए यहाँ पर केवल MI पायलट्स में ही रिलीज़ किया गया है। जिस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं MIUI 12.0.16.0 QCT INXM is being rolled out for Redmi 9 India MI pilot release। और इस अपडेट का साइज़ आपको यहाँ पर केवल 132 MB का देखने के लिए मिल जाता है। आपको इसमें चेंज लॉग में मार्च 2022 का सिक्योरिटी पैच लेवल भी यहां पर देखने के लिए मिल जाता है। और इस अपडेट के डाउनलोड लिंक्स भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो चुके हैं। तो अभी के लिए अगर ये अपडेट आपके Redmi 9 इंडिया में आपको देखने के लिए नहीं मिला है तो आपको सिंपली इस अपडेट के यहां पे पब्लिक रोल आउट होने का वेट करना है। जब ये अपडेट यहाँ पे पब्लिक में रिलीज़ हो जाएगा तो ये अपडेट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा Redmi 9 इंडिया में MIUI 12.0.16.0 का इंडिया स्टेबल अपडेट Redmi 9 के लिए। तो अब बात कर लेते हैं इस अपडेट के पूरे फीचर्स की कि हमें इसमें कौन कौन से यहाँ पर फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आपको इस वाले अपडेट में कोई भी न्यू फीचर यहाँ पे ऐड नहीं किया गया है। ये अपडेट यहाँ पर नॉर्मली MIUI 12 पर बेस्ड और Android 10 पर बेस्ड है। हमें इसमें केवल सिक्योरिटी पैच को ही अपडेट किया गया है। इसमें हमें यहाँ पे मार्च 2022 का सिक्योरिटी पैच देखने के लिए मिल जाता है Redmi 9 इंडिया MIUI 12.0.16.0 में, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है Redmi 9 डिवाइस के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए बस इतना ही कि यहाँ पे Redmi 9 इंडिया में MIUI 12.0.16.0 का एक न्यू अपडेट यहाँ पे रिलीज़ हो चुका है, लेकिन अभी तक ना ही इसमें Android 11 आया है और ना ही MIUI 12.5 का अपडेट यहाँ पर आया है। तो अब बात कर लेते हैं MIUI 12.5 और Android 11 हमें यहाँ पे कौन से मंथ तक यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको मैं कई बार बता चुका हूँ कि Redmi 9 इंडिया एक लो प्रोसेसर है MediaTek G35 का, जो कि बिल्कुल लो प्रोसेसर हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। तो इस डिवाइस के लिए यहाँ पर Android 11 की टेस्टिंग अभी तक चालू है। अभी तक यहाँ पे कोई भी कंफर्म न्यूज़ नहीं है कि यहाँ पे Redmi 9 इंडिया को Android 11 देखने के लिए मिलेगा फ्यूचर में या फिर नहीं मिलेगा, 12.5 मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अगर इसमें Android 11 12.5 की टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है तो आपको Redmi 9 इंडिया में यहां पर MIUI 12.5 और Android 11 का इंडिया स्टेबल अपडेट ज़रूर देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि यहां पे Redmi 9 चाइना स्टेबल ग्लोबल स्टेबल में आ ही चुका है। MIUI 12.5 Android 11 का ग्लोबल स्टेबल अपडेट और चाइना स्टेबल अपडेट, लेकिन Redmi 9 ने ग्लोबल में कुछ बग्स इश्यूज मिल रहे हैं, तो इसलिए उसमें दो अपडेट्स ऑलरेडी सस्पेंडेड हो चुके थे 12.5.1 और 12.5.2। तो अब यहाँ पे ये तीसरा अपडेट Redmi 9 के लिए चल रहा है, तो आपको भी यहाँ पे सिंपली वेट करना पड़ेगा Redmi 9 इंडिया के लिए 12.5 के अपडेट के लिए और Android 11 के इंडिया स्टेबल अपडेट के लिए। तो यही थी आज की पूरी वीडियो, Redmi 9 इंडिया के MIUI 12.5 और Android 11 की पूरी इन्फॉर्मेशन और Redmi 9 के 12.0.16.0 के न्यू इंडिया स्टेबल अपडेट की और इसके पूरे फीचर्स की। हमें इसमें मार्च 2022 का सिक्योरिटी पैच यहां पर देखने के लिए मिल जाता है। तो यही थी आज की पूरी वीडियो Redmi 9 इंडिया से रिलेटेड। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो आप एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे YT चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।